हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन और आज हम एक ऐसे कंपटीशन, एक ऐसे ऑडिशन के बारे में बात करेंगे जो आपका जो करियर है केपॉप में जाने का उसको सक्सेसफुली करा सकता है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इंडिया की जो श्रिया हैं, आर्या हैं, जो इंडिया से ही केपॉप इंडस्ट्री में गई हैं, इनकी जो कंपनी थी एक स्मॉल कैप कंपनी थी, यानी एक छोटी कंपनी थी जिसके अंदर डीआर म्यूजिक है या फिर एक्सक्रो एंटरटेनमेंट है जिसने एक्शन ग्रुप बनाया है। तो मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, जो छोटे लेवल की कंपनीज हैं, उनमें अगर आप ऑडिशन देते हैं तो आपके चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, बिकॉज उन कंपनीज में कोई जाना नहीं चाहता। दूसरा, वो कंपनी एक बेसिक लेवल पे है, बिल्कुल रिस्क होता है, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं होता, लेकिन एडवांटेज भी बहुत होती हैं। यहाँ पर हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वेक वन के बारे में। वेक वन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने गूगल पे वेक वन जो कंपनी है उसकी वेबसाइट खोली हुई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जाने से पहले हम ये समझ जाते हैं कि भाई बेसिकली ये उस लिंक पे अभी क्लिक मत करना, बिकॉज आप पूरी वीडियो अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, और लिंक पे बाद में ही क्लिक कर लेना क्योंकि वो लिंक कहीं नहीं जाने वाला। इस वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट होगा मैं इस वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। या आप देख सकते हैं ग्लोबल ऑडिशन है। जब ग्लोबल ऑडिशन आए या एशियाई ऑडिशन आए तो आप समझ जाइए कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं मेजरली, ये लोग ऑडिशंस दे सकते हैं, यानी कि ये कंट्रीज भी ऑडिशन दे सकती हैं। थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें पूरा बता दिया जाएगा कि भाई कैसे कैसे ऑडिशन देना है, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, एज क्या है, वो सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। बट पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई वेक वन है क्या। ये कंपनी थोड़ा बहुत तो आइडिया हो, एक स्मॉल कैप कंपनी, आई नो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया हमारे पास होना चाहिए कि बेसिकली कंपनी है क्या। आपको बताना चाहूंगा, जो वेक वन एंटरटेनमेंट कंपनी है एक रिलेटिव केपॉप एजेंसी है जो कि काफी नई है। ये ऑलरेडी दो गर्ल ग्रुप बना चुका है जो काफी पॉपुलर है, जिसके अंदर अगर आपने केपॉप ग्रुप केप वनर अगर आपने सुना हो या फिर TO1 आपने सुना हो, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि इन केपॉप ग्रुप को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ ये दो ग्रुप हैं जो कि इस कंपनी ने ही बनाए हैं। ये कंपनी कुछ सोलो आर्टिस्ट को भी हैंडलिंग करती है, जिसके अंदर देविची और रॉय किम है जो कि काफी पॉपुलर है, हर कोई जानता है इनको। अब यहाँ पर इस कंपनी के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये कंपनी अपना स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रखती है कंपनी के। अब यही कंपनी मैंने क्यों सिलेक्ट करी है, क्योंकि और भी केपॉप कंपनीज हैं जो ऑडिशंस निकालती हैं, इसके पीछे कुछ बेसिक रीजन है। पहला रीजन तो यही है कि कंपनी सक्सेसफुली दो केपॉप गर्ल ग्रुप बना चुकी है, जिसके अंदर एक ऐप वन ईयर नाम का है और TO1 नाम का ग्रुप है जिसको आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट काफी अच्छा बताया जा रहा है। ये एजेंसी काफी न्यू होने की वजह से इसके अंदर जो आर्टिस्ट है उनको काफी अच्छी फ्रीडम देखने को मिलती है। ये कंपनी न्यू होने की वजह से आर्टिस्ट को फ्रीडम है, वो जिस तरह का म्यूजिक प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिस तरह के स्टेप डालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो अट्रैक्टिव लगा है वो है कंपनी की फाइनेंस पोजीशन। जी हाँ दोस्तों, जो कंपनी फाइनेंस स्ट्रांग होगी वो आपकी एडवर्टाइजमेंट भी अच्छा कराएगी, वो आपकी बैनर, पोस्टर या जो मार्केटिंग है वो भी अच्छे से करा पाएगी। और वहीं जो स्मॉल कैप कंपनी है उनमें सबसे बड़ा बैरियर यही होता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने किसी भी गर्ल ग्रुप को या बॉय ग्रुप को मार्केट करा पाए और मार्केट से उसको आगे ले जा पाए। हम कह सकते हैं प्रमोशन, ब्रांडिंग, ये सब वो नहीं करा पाती बिकॉज उनका इतना बजट नहीं होता। यहाँ पर ये जो कंपनी है स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा फाइनेंशियली, क्योंकि वेक वन को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो बैकअप है या इसके जो पीछे खड़ी हुई कंपनी है CJENM है और ये काफी पॉपुलर कंपनी है। हम कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी है साउथ कोरिया की, तो इसीलिए वेक वन काफी चर्चा में है और मेरी नजर में भी ये कंपनी इसीलिए आई क्योंकि जब मैंने इसका बैक सपोर्ट देखा। नाउ गाइस, अब हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई कंपनी में ये चीजें हैं, अब आपको आइडिया लग गया है कि भाई कंपनी क्या है। अब मैं आपके सामने रखूंगा कि भाई कैसे ऑडिशन देने हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा एप्लीकेशन पीरियड क्या है, यानी लास्ट डेट क्या है, कब तक आप दे सकते हो, क्या आज दे सकते हो। तो इसका जो जवाब है वो बिल्कुल यस, आप आज से ऑडिशन दे सकते हो। फिलहाल अभी इधर तो ऑन गोइंग लिखा हुआ है, यानी कि इन्होंने बोला है कि भाई अभी तो चल रहे हैं लेकिन लास्ट डेट अभी हम नहीं बता रहे। बट मुझे गूगल पे सर्च करने के बाद पता चला कि 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, यानी कि आपके पास काफी टाइम है, आराम से फॉर्म फिल करिए
किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम इसी के ऊपर ला सके। एप्लीकेशन कैटेगरी, क्या आप कर सकते हो के पॉप में जाने के लिए? आप सिंगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, रैप कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो। और इधर साफ साफ लिखा है यू कैन अप्लाई फॉर अप टू फील्ड, यानी कि आप एक से ज्यादा फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। और या जैसे आप सिंगर भी है डांसर में, तब भी आप दो फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो जेंडर है, एज है, नेशनैलिटी है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एज है आपकी, कोई भी नेशनैलिटी से और कोई भी आपका जेंडर है, तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं। थोड़ा नीचे चलेंगे तो इन्होंने बताया कि भाई आपको एप्लीकेशन कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, लेकिन आपको कोरियन में देना है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो कि भाई कोरियन में कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, आपने वीडियो इंग्लिश में बनाई हुई है। मैं पहले ही बोलता आ रहा हूँ कि आप ना एक तो अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो बना के रखो, डांसिंग की वीडियो बना के रखो, सिंगिंग की वीडियो बना के रखो, अगर आप एक्टिंग कर सकते हैं तो वो भी वीडियो बना के रखो, और बस उन्हीं वीडियोस को हर फॉर्म में, हर कंपनी में, हर एजेंसी में अपलोड करते रहो, डालते रहो। जब तक आपको लगे कि भाई अब मैं इस डांस से और भी अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर नेक्स्ट वीडियो बना लो। मतलब कहने का ये है कि वही तीन चार वीडियोस को आप बना, मतलब कहने का यही है कि आप वही चार पांच वीडियो अपनी बना लो और हर कंपनी में उन्हीं वीडियोस को अपलोड करते रहो। यहाँ पर ये नहीं कि भाई हर बार नया फॉर्म आ रहा है, हर बार आप नई वीडियोस बना रहे हो, हर बार कुछ नया आ रहा है, हर बार कोई नई कंपनी आ रही है या पुरानी कंपनी में फिर से देना चाहते हो, फिर से नई नई वीडियोस बना रहे हो। ऐसा करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए आप हमेशा वही वीडियोस को बार बार अपलोड कर दिया करो। यहाँ पर आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, बट वो कोरियन में होना चाहिए। और एक चीज और बताइए, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको कोरियन में भी देना है, बट आपको फिर जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें भी आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मे भी हो सकता है कि आप कोरियन में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन आप जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें भी आपको एक सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है ताकि वो उससे आपकी बातें समझ सके। जो सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो आपको लैंडस्केप मोड में ही डालनी है, ऐसा नहीं कि आप वर्टिकली हो, वैसा नहीं करना, लैंडस्केप मोड में ही आपको अपनी वीडियो बनानी है। आप नहीं जानते लैंडस्केप मोड क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से रील या शॉर्ट्स बनते हैं ये लैंडस्केप नहीं होते, ये वर्टिकल होते हैं। लैंडस्केप अब आप समझ गए होंगे किस तरह की आपको रिकॉर्डिंग करनी है। उसके बाद आप अगर डांसिंग में अच्छे हैं, सिंगिंग में अच्छे हैं, तो उनकी भी आपको वीडियोस बनानी है। अगर आप सिर्फ डांसिंग में तो एक वीडियो बनेगी, सिंगिंग डांसिंग में भी अच्छे हैं तो दो वीडियो आपको बनानी है। एक वीडियो जो भी आप बना रहे हो 2 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो कि 2 मिनट की वीडियो बनाओ। अगर आप डांसर हैं तो 2 मिनट का डांस करो, सिंगिंग है, सिंगर है तो 2 मिनट का डांस करो। अगर आप दोनों ही कर सकते हैं तो 4 मिनट की वीडियो आपको बनानी है, दो, लेकिन वो सेपरेट होनी चाहिए, अलग अलग, और वीडियो आपको लैंडस्केप मोड में बनानी है जैसा मैंने आपको बताया। थर्ड है कि आपको अपना कॉन्टैक्ट और ईमेल देना है ताकि ये लोग आपको मैसेज कर सकें। यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, इन्होंने साफ साफ बोला है, सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। इंग्लिश एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोरियन वाला भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में ही करना है, बिकॉज कोरियन में आप गलती भी कर दोगे। उसके बाद आता है रिजल्ट अनाउंसमेंट। रिजल्ट अनाउंसमेंट आपको इंडिविजुअली आपके मेल पे सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप मेल रिस्पॉन्स नहीं करते तो जो आप मोबाइल नंबर इनको दोगे वहां पर आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ऑडिशन से रिलेटेड और अपडेट के लिए आप इनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर को फॉलो करके रख सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन में भी आपके जवाब मिल जाएंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो। इंस्टाग्राम पे मैं इनकी क्लिक करता हूँ, देखते हैं भाई इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है बेसिकली। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो ग्लोबल ऑडिशन है उनकी जो डेट है, जो टाइमिंग है, वो ये दिखा रही हैं। और ये बहुत सारे सिटीज़ और कंट्रीज़ के ऑडिशंस आपको दिखा रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ आपके ऑडिशंस फिलहाल अभी चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि अभी भी चल रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये इंग्लिश एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में एक जो डॉक्स है वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जैसे इधर हो गई है। मैं आपको सिंपली इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, और जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये एक्सेल में खुलेगी अगर आप पीसी से खोलते हैं, अदरवाइज ये आपके फोन में खुलेगी, तो फिर आपके पास होना चाहिए जहां पर इस चीज को आप खोल सके। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। आई होप आपको ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा। भाई गाइज, अगर आप चाहते हैं कि भाई हम आपका फॉर्म फिल करें, या देखो गाइज ये एक प्रोसेस है जिसमें हम आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट इसमें कुछ चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, बिकॉज
हमें भी आपके लिए टाइम निकालना पड़ेगा ताकि हम आपका फॉर्म फिल कर पाएँ अच्छे से। तो इसमें कुछ चार्जेस हैं, चार्जेस इतने बड़े नहीं हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बट अगर आप ये चीज़ चाहते हैं कि हम आपका फॉर्म फिल करें तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, तो मैं जल्दी बताऊँगा कि भाई कैसे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आप हमें बता सको कि भाई आप हमारा फॉर्म फिल कर दो, हमसे नहीं हो रहा। बाकी ये फॉर्म है गाइस, मैंने आपको बता दिया, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। किसी से भी आप फॉर्म फिल करवाएंगे वो इजीली फिल कर देगा अगर आपसे नहीं हो रहा। आई होप गाइस ये छोटी सी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए, केपॉप इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।